परिवार में देवर थे, माँ बाप थे, सास ससुर थे, उनको ऐसा बांधा कि देवर भी उस भाभी को माँ की तरह पूछते। उस देवी का अगर मैं दो मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करूं और अपनी दादी माँ का चेहरा अपने सामने लेकर आऊं, उनके व्यक्तित्व को अपने सामने लेकर आऊं और उसके बाद अगर डिक्शनरी खोलूं तो एक ही शब्द मेरे ध्यान में आता है, वो है त्याग। त्याग की जीती जागती स्वरूप मेरी दादी माँ थी। उनसे ज़्यादा त्याग करते हुए मैंने अपनी लाइफ में किसी भी लेडी को नहीं देखा या किसी भी इंसान को नहीं देखा। जो प्यार और त्याग मैंने उनमें देखा है वो सराहनीय है। तपस्वी श्री कांशीराम जी महाराज के परिवार से सारे सांसारिक परिवार से उनका संबंध था और वो चीज़ों को देखते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये वैल्यू सिस्टम कोई आउट ऑफ द ब्लू आया होगा। जो वैल्यू सिस्टम वो हमें देकर गए हैं, इट्स अ एसेट विच इज प्राइसलेस टू ऑल ऑफ अस। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी दादी माँ की कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें थी, खासियतें थी। एक कांशीराम महाराज जी का कोट वो हमेशा बोलती रहती थी, दिन में एटलीस्ट एक बार तो बोल ही देती थी, कम खाओ नम जाओ। और सदैव उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसको प्रैक्टिस किया। और एक बहुत ही यूनिक बात थी उनके अंदर, वो हमेशा कहती थी, नंदी दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं इस दुनिया में। दुआ तुम्हारे लिए तभी कोई करेगा जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ कुछ कर रहे हो, तब तक तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। जिस दिन तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ें कुछ किसी से हमें चाहिए, कुछ कॉमर्स या किसी भी प्रकार से कोई आप एडवांटेज किसी से देखते हो फिर किसी के लिए कुछ कर रहे हो, वो कभी दुआ में कबूल नहीं की जाती। और जिस दिन आप ये दुआ सच्ची दुआ लेने लग जाते हो उस दिन आपका जीवन आम चीज़ों से हटकर परे हो। तुम्हारी जी इस संसार से विदा होकर चले गए। कहते हैं कि इंसान जाता है मृत्यु के पश्चात वो कहाँ जाता है, जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बोला और भी जो सदस्य जहाँ पर जो भी वक्त बोल करके गए, जो भी मैंने सुना कितने धर्म प्राण मैंने, मुझे बात याद आ गई। एक व्यक्ति ने गुरुदेवों से चरणों में बैठ करके से पूछा कि गुरुदेव जब कोई भी व्यक्ति मरता है उसकी डेथ होती है। श्री संघ बंगाल लुधियाना, श्री रूप चंद जी महाराज समाधि जगराओ, श्री रूप चंद जी महाराज समाधि रायकोट, ऐसा जैन सभा अगर नगर लुधियाना, महावीर वेलफेयर सोसाइटी लुधियाना, स्वामी श्री रूपचंद जैन सेवा सोसाइटी जगराओं, आदम जैन सोसाइटी शिवपुरी लुधियाना, वीआरटीसी जैन ब्लाइंड हम्बड़ा रोड ब्लाइंड स्कूल लुधियाना,
ਆਚਾਰਿਆ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਧੀ ਨੌਰੀਆ ਮਲਬਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੋ ਇਨ ਸੰਸਥਾਓ ਕੇ ਲੀਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ ਸਭੀ ਸੰਸਥਾਓ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਕੀ ਵੇਲਾ ਮੇਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸਮਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਸਭੀ ਕਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੰਦਨਾ ਜੈਨ, ਤੋ ਵੋ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਹੋਗਾ। ਇਨ ਸੰਸਥਾਓ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੈ, ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਮਹਾਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਜੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਮਾਰੇ ਆਸਾ ਜੈਨ ਮਹਾਸਭਾ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਜੀ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਐਮ ਡੀ ਐਸ ਹੌਸਵਾਲ ਹੌਜਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਦੀਵਾਨ ਚੰਦ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੈਨ ਬੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਭੂਸ਼ਣ ਜੈਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਨਵਕਾਰ ਚੰਦ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਔਰ ਸੇ, ਮਹਾਵੀਰ ਫੈਬਰਿਕਸ ਮੁੰਬਈ ਕੀ ਔਰ ਸੇ, ਸੰਭਵ ਸਿੰਥੈਟਿਕਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ। ਮਹਾਵੀਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀਰ ਹਰਿਧਵਨ ਜੈਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਐਸ ਐਸ ਜੈਨ ਸਭਾ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਜੈਨ ਜੀ ਵਾਈਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਈਏ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਥਾਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਵਰਧਮਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਐਸ ਐਸ ਜੈਨ ਸਭਾ ਅਗਰ ਨਗਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਨਿਤਿਨ ਜੈਨ ਮਹਾਵੀਰ ਜੈਨ ਯੁਵਕ ਮੰਡਲ ਅਗਰ ਨਗਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਚੰਦਰਵਾਲਾ ਜੈਨ ਸ਼ਾਖਾ ਸੰਘ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੈਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ, ਯੂ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਜੈਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ। ਜੈ ਜਿਨੇਂਦਰ ਦੇਵ ਚਾਈ ਜੀ, ਮੁਝੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲਾਈਨੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਚਾਈ ਜੀ, ਆਪ ਕਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਮੋਹ ਛੋੜ ਕਰ, ਹਮਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇਂ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਭਰੀ ਯਾਦ ਛੋੜ ਕਰ, ਦਿਆ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸੇ ਭਰੇ ਥੇ ਚਾਈ ਜੀ, ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਸੇ ਪਰੇ ਥੇ ਚਾਈ ਜੀ, ਤਿਆਗ ਔਰ ਤਪੱਸਿਆ ਔਰ ਸਮਤਾ ਕੀ ਮੂਰਤ ਥੀ ਵੋ, ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥੀ ਵੋ, ਆਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਈ ਜੀ, ਆਪਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੇਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਬਸ ਏਕ ਵਾਇਦਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਸਮਤਾ ਮੇਂ ਰਹੇਂਗੇ ਹਮ ਵੀ, ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਜੈ ਜਿਨੇਂਦਰ ਦੇਵ। ਨਮੋ ਹਰਿਮੰਤਾ ਨਮ ਨਮੋ ਸਿੱਧਾ ਨਮ ਨਮੋ ਆਯਰਿਆ ਨਮ ਨਮੋ ਉਪਜਾਇਆ ਨਮ ਨਮੋ ਲੋਏ ਸਭ ਸਾਹੂ ਨਮ ਐਸੋ ਪੰਚ ਨਮੋ ਕਾਰੋ ਸਭ ਪਾਵਾ ਪਨਾਸਨੋ ਮੰਗਲਾਨੰਦ ਚ ਸਭੇ ਸਿੰਚ ਪਰਮਮ ਹਵਈ ਮੰਗਲਮ ਉਪ ਸਗਹਰਮ ਪਾਸਮ ਪਾਸਮ ਮੰਦਾ ਮਿਕਮ ਦਨ ਮੁਕਮ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਨਿਨਾਸਮ ਮੰਗਲ ਕਲਾਨ ਵਾਸਮ ਵਿਸਰ ਪੁਲਿੰ ਮੰਤਮ ਕੰਠੇ ਧਾਰੀ ਜੋ ਸਿਆ ਮਨੁ ਹੋ ਤਸ ਕੈ ਰੋਗ ਮਾਰੀ ਦੁਖ ਚਰ ਜੰਤੀ ਸਾਮਮ ਤਿਥਉ ਦੁਰੇ ਮੰਤੋ ਤੁਜ ਪਨਾਮੋ ਵੀ ਬਹੁ ਫਲੋ ਹੋਈ ਨਾ ਤਿਰੀ ਏਸੁ ਵੀ ਜੀਵਾ ਪਾਵੰਤੀ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਗਚਮ ਤੋ ਸਮਤੇ ਲੱਦੇ ਚਿੰਤਾ ਮਨੀ ਕਪ ਪਾਏ ਵਾਪੀਏ ਪਾਵੰਤੀ ਵੀ ਗੇ ਜੀਵਾ ਆਇਰਾ ਮਰਨ ਠਾਨਮ ਯ ਸੰਤੋ ਮਾਇਸ ਬੱਤੀ ਵਾ ਨਿਬਰੇ ਗੀਅਨ ਤਾ ਦੇਹ ਦੀਜ ਹੋਏ ਬਾ ਭਵੇ ਪਾਸ ਚਿੰਚਾ ਭੋ ਭੋ ਭਵਿਆ ਸ਼੍ਰੀਮੰਤ ਬਚਨਮ ਪ੍ਰਸਤੁਤਮ ਸਰਵ ਮੇ ਤਦ ਹੀ ਯਾਤ੍ਰਾਯਾਮ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਗੁਰੋ ਭਾਰਤਾ ਭਕਤਿ ਭਾਜਾ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤਿਰ ਭਵਤੁ ਭਕਤਾ ਮਰਹਦਾਦਿ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਦਾਰੋਗ੍ਯਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਤਿਮਤਿ ਕਰੀ ਪ੍ਰੇਜਿਤ ਵੰਸ ਹੇਤੁ ਭੋ ਭੋ ਭਵ੍ਯ ਲੋਕਾ ਇਹ ਭਕਤੈਰਾਵਤ ਵਿਦੇਹ ਸੰਭਵਾਨਾਂ ਸਮਸਤਿਰਤਾਂ ਜਨਮ ਨਿਆਸਨ ਪਰਕੰਪਾ ਨੰਤਰ ਮਾ ਬਿਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਸੌ ਧਰਮ ਵਿਧਾਯ ਸ਼ਾਂਤਿ ਮੁਦ ਘੋਸ਼ਯਾਮਿ ਤਤ
पूजा यात्रा सनातन हो सवानंतर इति कृत्वा कर्णं दत्वा निशम्यतां निशम्यतां स्वाहा ओम पुण्याहं पुण्याहं पियन्तां पियन्तां ओम मुनयः मुनिपत्रादिकु विदुर्भिक्ष कांतारेषु दुत मार्गेषु रक्षन्तु वो नित्यं स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं धृति मति कीर्ति कांति बुद्धि लक्ष्मी महा ओम आचार्यो पाद्यालोका भीति चार सुभर नस्य सुविश्वम नस्य शांति भक्तो तुष्टिर भक्तो तुष्टिर भक्तो अर्श मीन्स भूमधला यतन निवासी साधु साधुरी दीन दुखी जीवों पर मेरे उर सर शुभ नहीं मुझको आवे साम्य भाव गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम पण यहाँ तक उनकी से जीवन समर में हे प्र
प्रभु मुझे एक तेरी कर्तव्य पथ से जोड़ी गाने विघन कन्हैया संतोष भक्ति और दया का मंत्र मेरे जिन बहादुर प्रेम की मंदा दिल में तड़प हो प्रेम की जिन देव तेरे चरणों में मुझे निज धर्म हित ये प्राण हो और मन का मैं बालपन इन देव तेरे चरणों में मुझे संसार सागर में न भटके नाव मेरी मैं खुद के भैया बन सकूं वह शक्ति मेरे पास जिन देव तेरे चरणों में मुझे ये आत्मा ही बन सके राम तुझ पर हे नाथ मेरी आत्मा का अंत मोक्ष जिन देव तेरे चरणों में मुझे सादृढ़ शोक की इस वेला में हम सब मेरी भावना का मंगल में उच्चारण कर रहे हैं। कहते हैं कि जिसका भी आना होता है आना भी शायद निश्चित होता है या तस्य ही बीतता जो समय है वही उसका अपना है और उसमें वो कितनी खुशबू दे जाता है कितनी उसकी भावनाएं हैं किसने अपने कर्म है ये उसी के ऊपर निर्भर रह जाता है। अपनी बात करने से पहले थोड़ा धीरे रखें जब बच्चा भी कोई डिस्टर्ब कर रहा है कृपया उसको भी संभाल लेट आए नौजवान आए और उन्होंने अपने अपने उसके लिए रखी हुई थी एप्लीकेशन तो जो लेने वाला था उसने कहा कि मैं जो आपको नौकरी दे रहा हूँ वो नौकरी ऐसी है जिसकी आप शर्तें थोड़ी सुन लें तो इस नौकरी में आपको 24 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी इसमें आपको कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और छुट्टी वाले दिन डबल काम करना पड़ेगा रात्रि को भी इसकी जो है ड्यूटी चलती रहती है दिन को भी चलती रहती है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी वेतन नहीं दिया जा रहा। सुनने वाले आश्चर्यचकित थे और सोच रहे थे कि ये कैसी नौकरी की हमको अपॉइंटमेंट मिल रही है
और वो कुछ भी इसको समझ ना मानते हो, कह रहे थे कि हम इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं मान सकते, क्योंकि ये शर्तें ऐसी है, हम पर बहुत मुश्किल है, लागू नहीं हो पाएंगे। तो उसने उसका फलसफा खोला कि ये जो ड्यूटी है ये आपके घर में हो रही है, आपके परिवार में हो रही है, और आप इसको मान नहीं रहे हैं। तो बात खुलती है, तो ये खुलासा होता है कि ये जो ड्यूटी है ये उनके घर में परिवार में माँ की ड्यूटी है, जो हमारे लिए तत्पर रहती है, 24 घंटे सेवा में रहती है, और उसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। छुट्टी वाले दिन डबल काम करते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो डबल काम किया जाता है, और हर एक की देखभाल संभाल करना इस ड्यूटी में शामिल है। तो भाई और बहनों, ये एक आज माता का जो जाना हुआ है, समाज के लिए बेहद ही दुख की बात है। जब भी कोई आदमी बड़ा, इसमें मैं भाइयों को भी लेता हूँ, माता पिता को लेता हूँ, जिनकी एज यहाँ पर जो है 1988 बताई जा रही है, तो ये उस परिवार के लिए नहीं है, समाज के लिए ही हो जाते हैं, माता स्वरूप हो जाते हैं। तो वर्षों से हमने जिनको देखा है, जाना है, सुना है, समझा है, श्रीमती राजकुमार जी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुदर्शन कुमार जैन बंगा वाले, तो इस परिवार ये हमारे लुधियाना समाज का बेहद अनमोल धर्मनिष्ठ शूश्रावक परिवार है, और आज इसमें से इस माता जी का जाना हमारे लिए सभी के लिए बेहद शोक की बेला है, दुखद बेला है, और इसमें हम सबका सम्मिलित है। तो 88 की उम्र में जो भी उन्होंने अपने जीवन को जिया है, वो एक इसको कह सकते हैं कि अनुपम उदाहरण है इस परिवार के लिए। तो कहते हैं कि जो भी माली होता है उसके आगे जो भी बगिया बनती है उसी को भी देखा जाता है कि उसका माली कैसा था। तो आदम स्पिनिंग परिवार, नरेश जी का, सुनील जी का, और एक जो बड़ा इसके आगे बगीचा है उसका जो भी यह सुगंध है वो देखते ही बनती है, सुनते ही बनती है। तो माता जी ने अपना जीवन एक बेहद ही जिसको कहते हैं शूश्रावका के रूप में या धर्म शूश्रावका के रूप में उदाहरण है। ऐसे जो है हमारे बुजुर्ग होते हैं समाज के, जो हमारे लिए भी अनुकरणीय है, जो आने में अनमोल लोगों के रूप में होता है, जिसको दुखद के साथ नहीं सुखद एहसास के साथ ही हमें लेना चाहिए, और उनके बताए हुए सन्मार्ग पर, उनके बताए हुए मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो माता जी के संदर्भ में जो भी परिवारजन है उनका मैं ब्यौरा दे रहा हूँ। श्री नरेश जैन, पूनम जैन और दवाग है, हर्षवर्धन जैन, नंदी वर्धन जैन, आशिमा जैन, दीपाली जैन पोत्र एवं पोत्र बधुए हैं, मोहित जैन, मनीष जैन पोत्रे, आस्था जैन पोत्री हैं, सुरेंद्र कुमार जैन देवर, उषा राण जैन देवरानी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री जिनेन्द्र जैन, नरेंद्र कुमार जैन, सुनीता जैन देवर देवरानी, निर्मल जैन, सुदर्शन जैन चंडीगढ़ बहन बहनोई, सुदर्शना जैन नणन, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री साधु राम जैन, आशा जैन, सतीश जैन नणन नंदोई, संजीव जैन, मीनू जैन पंगा, भतीजा भतीज बहु, आर जैन, कृष्ण जैन पड़पोत्रे, आशना जैन पड़पोत्र, नंदलाल हंसराज जैन जंडियाला वाला जो है ये माइका परिवार। चलिए, कोई भी गलती के लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ा सा परिवार में जो उनके बारे में
ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਜੈ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੈ, ਬੰਗਾ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਨਿਧਨ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ DMC ਹਾਸਪਿਟਲ ਮੇ ਹੁਆ। ਉਨਕੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 87 ਵਰਸ਼ ਕੀ ਥੀ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸੇ ਹੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਥਾ ਕਿ ਉਨਕਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਨਿਕਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਸਥ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਕੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰਾ ਦੇ ਦੋ। ਇਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿਆ ਔਰ ਉਸਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹਸ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਮੇ 30 ਸੇ ਅਧਿਕ ਕਠਿਨਾਈਆਂ, 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸੀ ਤੱਕ ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਬੜ ਆਮਿਲ ਐਵੋ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕੀਏ। ਸਾਧੂ ਸਾਧਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਥੀ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਕੇ ਸਦ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਮੇ ਲਗਭਗ 81,000 ਸੇ ਅਧਿਕ ਸਮਾਇਕੇ ਕੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਆ ਔਰ ਸੂਰਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹਾ। ਜੈਨ ਸ਼ਰਾਵਕਾ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇ ਵਹ ਇੱਕ ਅਨੂਠਾ ਉਦਾਹਰਣ ਥੀ। ਉਨਕੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੇ ਉਨਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਨੰਦੀਵਰਧਨ, ਮੋਹਿਤ ਮਨੀਸ਼ ਔਰ ਪੋਤਰੀ ਸੀਏ ਆਸਥਾ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਕਾ ਗਠਨ ਕੀਆ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੈਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾ 70% ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਐਵਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋ ਔਰ 30+ ਯਰ ਵਰਧ ਸਾਧੂ ਸਾਧਵੀਓ ਕੇ ਲੀਏ ਹੋਗਾ। ਇਸ ਟਰਸਟ ਕਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈਸ ਕੈਂਪ ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਇੰਜਨ ਸਾਥ ਲਗੇਗਾ। ਜਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਕਭੀ ਕਭੀ ਡਰ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀਆ ਜਾਂ ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਨਕੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹੋ ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਹੋਇਆ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਬਤਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਪਰ ਚੱਲੋ। ਜੀਵਨ ਕਭੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਧੁਰ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਜਾਣਾ ਹਮ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਦੁਖਤ ਕੀ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਮੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਸਮਲਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਅਗ੍ਰਤ ਔਰ ਸਮਾਜ ਜਹਾਂ ਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ ਕੁਛ ਤੋ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਕਰੂੰਗਾ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਜ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਸ਼ਰਾਵਕ ਪਰਮ ਆਦਰਣੀਯ ਸ਼੍ਰੀ ਸਭਾ ਮੇ ਉਪਸਥਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਦਰਣੀਯ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭਾਈਓ ਤਥਾ ਪ੍ਰਿਯ ਬੱਚੋ, ਕੁਦਰਤ ਕਾ ਇੱਕ ਅਟਲ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਆਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਏਕ ਨਾ ਏਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਕੋ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਵਿਦਾ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੜਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਨਮ ਸੇ ਲੇਕਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਵਾਸ ਤੱਕ ਜੇ ਜੋ ਬੀਚ ਕਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਜੀਵਨ ਕਹਿਤੇ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਜ ਮੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੇ ਉਨਕੀ ਕੈਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਇਸਕੀ ਚਰਚਾ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਮੇ ਹੁਆ ਕਰਤੀ। ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾ ਜੀਵਨ ਕਸਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਭਾਭੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾ ਉਤਰੀ। ਕੈਸੀ ਉਨਕੀ ਦਾਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਥੀ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀ,
और हजारों की तादाद में समाई करती, लेकिन मैं उनके परिवार से संबंधित हूँ। ये हमारे ताया जी का परिवार है, लाला बुलावा राम जी, वर्गीय लाला बुलावा राम जी जय बेटा। ये हमारे बड़े भाई साहब थे, उनकी धर्म पत्नी थी। अपने जीवन में इस महिला ने जो कुछ किया, बड़ों का आदर सत्कार, मान सम्मान उन्होंने अपने जीवन में पाया। मैं बचपन में मेरे क्लासमेट थे, हम इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे खेलते थे। मेरा अक्सर ठेकेदार कि हमारे ताई जी गणेश जी की दादी और गणेश जी की माता राजकुमारी जी हमारी भाभी हमारा बहुत ही ध्यान रखती थी। इसके अलावा जो प्यार, जो दुलार, जो ममता, जो वात्सल्य उन्होंने दिया, उसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। किसी को ऊपर उठा देता है, किसी को नीचे ला देता है, इसी प्रकार से चक्कर चलता रहता है। अपने जैन समाज की एक सुश्राविका श्रीमती राजकुमारी जैन धर्मपत्नी श्री सुदर्शन कुमार जी जैन भंगा वाले, जो अपनी जीवन यात्रा पूरी कर प्रभु चरणों में लीन हो गए, उनकी समृद्धि में आज की शोक सभा एवं रस्म पगड़ी के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। माता श्री जी के जीवन की झांकी बहुत सुंदर ढंग से अभी हमारे महामंत्री जी ने और प्रातः फूलचंद जी ने आपके सामने रख दी, तो ज़्यादा उन बातों को दोहराना भी मैं उचित नहीं समझता। लेकिन इनका निवास पहले शहर में था, इसलिए समाज के साथ उनका बहुत जोड़ रहा, हमारे साथ भी उनका सामाजिक तौर पे, पारिवारिक दृष्टि से भी उनके साथ बहुत मिलन रहा। जब भी मिलते थे माता जी का चेहरा हथमय हंसमुखा आज भी हमारे सामने दिख रहा है। कितनी नम्रता से वो सबको हाथ जोड़कर छोटों को आशीर्वाद देते थे, बड़ों से प्यार लेते थे, यही उनकी विशेष बात थी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने जीवन की जो पूंजी अर्पित की वो धार्मिक दृष्टि से एक संपूर्ण महिला थी। धर्म में अटूट श्रद्धा थी, गुरुचरणों में अटूट श्रद्धा के भाव रखते हुए हर समय यही भावना रहती थी कि मैं गुरुचरणों में बैठकर उनके दर्शन करूं। गुरुचरण हमारे घर में आए, उनकी सेवा में जो हो अर्पित करें, ऐसी भावना उनके मन में सदा रहती थी। दो रुपये की मिठाई हो जाती थी साल में और एक अठाई रिश्तों के दिन में होती थी, तो तीन अठाई साल में अपने जीवन में उनको निभाना ये एक सुश्राविका का काम होता है, और वही कर सकता है जिसके मन में धर्म के प्रति, गुरु चरणों के प्रति अटूट श्रद्धा हो। और आज उसी धर्म की भावना को लेकर, उसी सेवा भाव को लेकर अपने पद पर बल को, जब
ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਥੇ। ਭੋਜਨ ਲਾ ਕੇ ਜਬ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈਓ ਕੋ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਥੇ। ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਮੈਨੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ, ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਭਾਈ ਕੀ ਭਾਈਓ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਜ ਕੇ ਯੁਗ ਮੇਂ ਐਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਖੋ ਸੇ ਦੇਖਾ। ਆਜ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਹੈ, ਆਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਿਲ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਆ, ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋ, ਜੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਲਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿਆ। ਤੋ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ। ਆਜ ਵੀ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਾ ਹੁਆ ਹੈ ਔਰ ਉਨਕੇ ਹੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਗੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮੇਂ ਲੀਨ ਥੇ, ਹਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਥੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਮੇਂ ਥੇ, ਤੋ ਅਕਸਰ ਉਨਸੇ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਮੇਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਹਸਮੁਖ ਚਿਹਰਾ ਔਰ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਦੇਖੀਏ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੈਸਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਥੇ। ਅਬ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਸੇ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅਭੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆ ਆਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲੋਨੀ ਮੇਂ, ਲਗਭਗ ਹਮ ਸਭ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਕੇ ਸਾਥ ਸਭ ਵਹਾਂ ਪਰ 4-5 ਘੰਟੇ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾ ਸਦਾ ਜੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਤਲ ਮਿਲਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਪੇ ਥਾ ਪਹੁੰਚਾ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਰਾਂਚੀ ਮੇਂ ਆਕੇ ਰਾਤ ਕੋ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ 7 ਵਜੇ ਯਹਾਂ ਆਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾ। ਵਿਧੀ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਕੇ ਆਗੇ ਜੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਾ ਕਰਦੇ ਥੇ ਸ਼ਰਮਨ ਜੀ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਆਦਮੀ ਸੰਸਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਐਸੇ ਉੱਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਏ ਹਨ ਜੈਸੇ ਉਨਕੇ ਥੇ, ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਉੱਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਖਾਜ ਬਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਔਰ ਸੇ ਆਚਾਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈਨ ਸੇਵਾ ਸੰਘ ਆਈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪੂਰੇ ਸਭ ਕੇ ਔਰ ਸੇ ਉਨਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਮਾਂ ਵੀ ਸੌਮਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਨਕੋ ਇੱਕ ਉੱਚ ਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਔਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਉਨਕਾ ਬਤਾਇਆ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸ਼ੋਕਾ ਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੰਦੂ ਮਾਤਾ ਔਰ ਬਹਿਣੋ, ਮਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਕਾ ਬਖਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਆ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸੇ ਚਲੀ ਔਰ ਬੰਗਾ ਮੇਂ ਆਈ, ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਂ ਦੇਵਰ ਥੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਥੇ, ਸਾਸ ਸਸੁਰ ਥੇ, ਉਨਕੋ ਐਸਾ ਬਾਂਧਾ
कि देवर भी उस भाभी को मां की तरह पूछते। उस देवी का, उस मां का कितना बड़ा अक्ष होगा, कितना बड़ा हृदय होगा, जिसने सर्वप्रथम जो कर्तव्य निभाया वो अपने देवरों को एक मां की तरह पाया। फिर बात आई बेटों की, बेटे जो आज यहां बैठे हैं, दोनों बेटियां, आज तक जब से मेरा इनसे वास्ता पड़ा, मैंने आज तक इनको कभी भी गर्दन ऊंचे नहीं देखा, हमेशा नीचे आंखें झुकाए। तो वो किसका संस्कार, उस माँ ने, उस बाप ने संस्कार दिए और बेटे उसी रास्ते पर। 88 साल जब होश आया होगा, तो उसके बाद 10 साल बाद या कितने साल बाद धर्म के संस्कार दिए और धर्म में भी धर्म में रही। और पिछले महीने की बात बताता हूँ, मैं अगर नगर में गुरुदेव के दर्शनों में उनके चरणों में बैठा था, तो ये माँ छोटे भाई साहब सुनील जी के साथ उनके साथ आई। श्रीमान जितेंद्र जी ब्रज, कोषाध्यक्ष श्री नरेश जी बालोराम, मैं ऑल इंडिया श्वेताम्बर स्थानक वासी जैन कॉन्फ्रेंस पंजाब जोन 2 की तरफ से, उसके बाद श्रीमान सतीश जैन, आशा जैन मोगा से परिवार, श्रीमान पवन जी, राजन जी जैन लुधियाना से, श्रीमान प्यारे लाल जी, सुरेंद्र कुमार जी जैन अमृतसर वालों का परिवार, और अंत में मैं अपने परिवार की तरफ से लाला अच्छुमल जैन परिवार नवाशहर और लुधियाना की तरफ से उस माँ के चरणों में शत शत नमन करता हूँ कि हे भगवान, ऐसी माँ सबको देना तो हम सब पर आशीर्वाद पाए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति। जय माँ। अगर मैं 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करूं और अपनी दादी माँ का चेहरा अपने सामने लेकर आऊं, उनके व्यक्तित्व को अपने सामने लेकर आऊं, और उसके बाद अगर डिक्शनरी खोलूं तो एक ही शब्द मेरे ध्यान में आता है, वो है त्याग। त्याग की जीती जागती स्वरूप मेरी दादी माँ थी। उनसे ज़्यादा त्याग करते हुए मैंने अपनी लाइफ में किसी भी लेडी को नहीं देखा या किसी भी इंसान को नहीं देखा। जो प्यार और त्याग मैंने उनमें देखा है वो सराहनीय है। तपस्वी श्री कांशीराम जी महाराज के परिवार से, सारे सांसारिक परिवार से उनका संबंध था, और वो चीज़ों को देखते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये वैल्यू सिस्टम कोई आउट ऑफ द ब्लू आया होगा। जो वैल्यू सिस्टम वो हमें देकर गए हैं, इट्स अ एसेट विच इज प्राइसलेस टू ऑल ऑफ अस। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरी दादी माँ की कुछ बहुत ही यूनिक चीज़ें थी, खासियतें थी। एक कांशीराम महाराज जी का कोट वो हमेशा बोलती रहती थी, दिन में एटलीस्ट एक बार तो बोल ही देती थी, गम खाओ नम जाओ। और सदैव उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसको प्रैक्टिस किया। और एक बहुत ही यूनिक बात थी उनके अंदर, वो हमेशा कहती थी, नंदी दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं इस दुनिया में। दुआ तुम्हारे लिए तभी कोई करेगा जब तुम किसी के लिए निस्वार्थ कुछ कर रहे हो, तब तक तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। जिस दिन तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ें, कुछ किसी से हमें चाहिए, कुछ कॉमर्स या किसी भी प्रकार से कोई आप एडवांटेज किसी से देखते हो, फिर किसी के लिए कुछ कर रहे हो, वो कभी दुआ में कबूल नहीं की जाती। और जिस दिन आप ये दुआ, सच्ची दुआ लेने लग जाते हो, उस दिन आपका जीवन आम चीज़ों से हटकर परे हो जाता है। राजकुमारी जी इस संसार से विदा होकर चले गए। कहते हैं कि इंसान जाता है मृत्यु के पश्चात वो कहाँ जाता है,
कैसे भी हमारे भाई साहब ने बोला और भी जो सदस्य जहाँ पर जो भी मकसद बोल करके गए जो भी मैंने सुना कितने धर्म प्राण मेरे मुझे बात याद आ गई। एक व्यक्ति ने गुरुदेवों से चरणों में बैठ करके से पूछा कि गुरुदेव जब कोई भी व्यक्ति मरता है उसकी डेथ होती है तो उसके उपरांत में कहाँ जाता है। उन महापुरुषों ने बताया कि निश्चित रूप से तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन यदि तुम इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो शमशान घाट के मार्ग पर इमारत के ऊपर रास्ते में एक वृद्ध मिस्त्री मौत में वृद्ध महिला रहती है वो कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में जानकारी दे सकती है। वो भाई उस महिला के पास गया उस महिला से पूछा कि माँ जब भी कोई जहाँ से गुजरता है तो तुम कैसे ये असेसमेंट कर लेती हो कि जो ये स्वर्ग को गया है नरक को गया। वो कहती बेटा मैं कोई ज्ञानी तो है नहीं ना ही मुझे मुझे इस बारे में नॉलेज है कि कौन मरकर कहाँ जाता है लेकिन जब किसी के व्यक्ति जहाँ से गुजरती है तो पीछे पीछे जो लोग जाते हैं उस समय मुझे कुछ ना कुछ अंदाजा लग जाता है। इस शोक सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों शक्ति साहब ने इशारा कर दिया है मैं समझता हूँ कि सभा के अनुकूल बात करनी चाहिए समय एकदम बहुत सीमित है। हम सभी यहाँ पर श्रीमती राजकुमारी जी दैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुदर्शन कुमार जी जैन बंगा वालों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करने के लिए एकत्रित है। दो बातें करनी है एकदम नो बॉडी नोज बट लाइज अक्रॉस द वेल ऑफ लाइफ everybody goes but none returns। कोई आदमी नहीं जानता संसार का कोई प्राणी नहीं जानता कि जीवन की घाटी के परे क्या है। हर आदमी जाता है वापस नहीं आता लेकिन जो इस संसार में रहकर अपने जीवन से कुछ कर जाता है परोपकार कर जाता है आत्मीयता दिखा जाता है दूसरे के काम आता है उसका जीवन सफल है। पहली बात। दूसरी बात जिसका शायद आप में से किसी को पता नहीं आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज लुधियाना में पधारी सबसे पहले आचार्य श्री जी की प्रेरणा से माता जी ने अपना नाम लिखाया था 2005 में जिस आत्म जैन सोसाइटी को उन्होंने अपने कर कमलों से दान दिया था सहयोग दिया था आज वो अगले मास 150वां राशन समागम करने वाली है जो उनकी बहुत बड़ी देन है आत्म जैन सोसाइटी को।
दो बातें पूरी हो गई। अंत में सभी लोग ये कहते हैं कि माँ की ये भी मैंने सुना और अच्छा। लेकिन एक बार जी जय कार्यकारिणी चंद्रवाला जैन युक्त संघ, चंद्रवाला जैन शाखा संघ, जय माना जो है महावीर जैन युवक संघ, जय तरुणी मंडल, सभी अधिकारीगण की तरफ से और आप सब लोग भाई बहन जो यहाँ पर बता रहे हैं उन सभी की तरफ से भी उस दिवंगत आत्मा के चरणों में नमन करते हैं। शासनेश प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और इस भव्य परिवार को जो धर्मनिष्ठ परिवार है उसको ये दुख सहन करने की शक्ति मिले और अपने बुजुर्गों के बताए हुए मार्ग पर वो ऐसे ही चलते रहें, ऐसी हमारी समय हो रहा है क्योंकि आगे भी कुछ यहाँ पर अनुबंध चलना है। मैं चाहूँगा रस्म पकड़ी हो जाए उसके बाद ही साथ साथ जो सूचनाएं हैं दान की राशि है वो चलेगी। तो प्रार्थना जो परिवार पगड़ी लेकर आए हैं वो कृपया पगड़ी पकड़ नगदी वगैरह की कोई भी कृपा ना हो। ये एक जो है सभी समाजों का एक जो है पूरा नियम है। कुछ धर्म संदेश मैं प्रार्थना करूंगा प्रधान जी से। और आदरणीय भवन जी श्री फूलचा जी से कृपया वो पगड़ी बंधवाए। आया हुआ है जिन संस्थाओं की तरफ से जो है संदेश आए हैं, शोक संदेश आए हैं उनके नाम पढ़ रहा हूं। महासभा पंजाब के प्रधान श्री प्रफुल जी की तरफ से जो पंजाब हमारे ऐसा जैन महासभा उत्तर भारत के प्रधान हैं, गुरुकुल पंचकूला के प्रधान श्री गौरव जैन जी की तरफ से, मित्र मिलन परिवार की तरफ से, एमडीएस सोजवाल हौजरी परिवार की तरफ से, दीवान चंद रोशनलाल जैन बंगा परिवार की ओर से, सुरेंद्र जैन भूषण जैन लुधियाना की तरफ से, नवकार चंद रोशनलाल सिकंदराबाद परिवार की ओर से, महावीर फैब्रिक्स मुंबई की ओर से, संभव सिंथेटिक्स लुधियाना की तरफ से शोक संदेश इस परिवार के लिए है। महावीर इंटरनेशनल परिवार वीर हरिधवन जैन जी की तरफ से, एस एच जैन सभा सुंदरनगर, प्रधान श्री संजय जैन जी वाइस सीनियर वाइस प्रेजिडेंट सुरेंद्र जैन कॉम्प्लेक्स ये की तरफ से, श्री अरुण थापर प्रेजिडेंट लुधियाना इंडस्ट्रियल एरिया मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन की तरफ से, श्रीमती राज वर्धमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ रोड परिवार की तरफ से, प्रधान बलविंदर कुमार जैन एस एच जैन सभा अगर नगर की तरफ से, प्रधान श्री नितिन जैन महावीर जैन युवक मंडल अगर नगर की तरफ से, चंद्रवाला जैन शाखा संघ सिविल लाइन की तरफ से, आचार्य श्री आत्माराम जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से, यूएसपीसी जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से, लुधियाना आचार्य श्री आत्माराम जैन सेवा संघ आई हॉस्पिटल विंग के लिए, गोविंद गोदाम लुधियाना मोतीराम जी महाराज भूमिया जी श्री संघ बंगा लुधियाना, श्री रूपचंद जी महाराज समाधि जगराओं, श्री रूपचंद जी महाराज समाधि रायकोट, एस एच जैन सभा अगर नगर लुधियाना, महावीर वेलफेयर सोसाइटी लुधियाना, स्वामी श्री रूपचंद जैन सेवा सोसाइटी जगराओं, आदम जैन सोसाइटी शिवपुरी लुधियाना, वी आर टी सी जैन ब्लाइंड हम्बड़ा रोड ब्लाइंड स्कूल लुधियाना, आचार्य आत्माराम महाराज समाधि नौरियमल बाग लुधियाना। तो इन संस्थाओं के लिए इस परिवार ने दान राशि निकाल ली है। इन सभी संस्थाओं की तरफ से
इस परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। शोक की बेला में उन्होंने समस्त परिवार ने इस दान राशि का जो है ध्यान रखा है, सभी का हार्दिक धन्यवाद। मेरे पास एक नाम है श्रीमती वंदना जैन, तो वो आ जाए, शांति पाठ होगा। जय जिनेंद्र देव। चाय जी, मुझे आपके लिए सिर्फ दो लाइनें बोलनी है। चाय जी, आप कहाँ चले गए? संसार से मुंह छोड़कर हमारे दिलों में अपनी ममता भरी याद छोड़कर, दया भावना और प्यार से भरे थे चाय जी, राग द्वेष और क्रोध से परे थे चाय जी, त्याग और तपस्या और समता की मूर्त थी वो, अंदर और बाहर से बहुत ही खूबसूरत थी वो। आज आप नहीं हैं चाय जी, आपके बिना समय उदास है। बस एक वायदा करते हैं, हर पल समता में रहेंगे हम भी, जो भी जीवन हमारे पास है। जय जिनेंद्र देव। नमो हिमंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो उपजायानम, नमो लोये सब साहुनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावपन आसनो, मंगलानंद सभ्य सिंच परम भवई मंगलम, उप सघरम पासम पासम वंदाम, कम धन मुकम विसर्विस निनाशम, मंगल कल्याण वासम विसर पुलिन मंतम, कंठे धारी जो सिया मन होता स्कैरो मारी, दुख चर जंति सामम चित्थौ दुर्मंतो तुझ पनामो, वी भव फलो होइ न तिरी येसु वी जीवा, पावंती ना दुख दगचम तुम समते लते, चिंता मनि कप पाए वापिए, पावंती भी गे जीवा आयरा मरण ठानम, ये संतो मायस बत्ती व निबड़े, गियन ता देव दीज होए बा भवे पास चिंचा, वो वो भव्य श्रीमंत वचनम प्रस्तुतम सर्वमेतद ये यात्रायां, त्रिभुवन गुरो भारता भक्ति भाजा, तेषां शांतिर भवतु भक्ता मर्हतादि प्रभावा, दारोग्य श्री कृतिमति करी प्रेरित वंश हेतु, वो वो भव्य लोका ही बत्तई रावत, विदेश संभवा नाम समस्त तीर्थ कृताम, जन्म निवासन पर कंपा, नंतर मां दीना भी क्या है सौ धर्माधिपति, सुधी हितवा गत्वा कन कातरे दीर्थ जन्मा अभिषेक, शांति मुद घोष जैसनात्रम विधाय, शांति मुद घोषयामी तत् पूजा यात्रा स्नात्राधीन हो सवा, नंतर मिति कृत्वा कर्णम दत्वा, निशम्यताम निशम्यताम स्वाहा, ओम पुण्याहम पुण्याहम पियंताम पियंताम, भवलोक महिता स्त्रीलोक पूज्या स्त्रीलोकेश्वरा स्त्रीलोको द्योतरा, ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम प्रभ सुपार्श चंद्र प्रभ, सुविधि शीतल श्रेयांश वासु पूज्या विमल अनंत धर्म शांति, ओम मुनियो मुनि पत्रादिको विजय दुर्भिक्ष कांतरेशु दुख मार्गेशु रक्षंतु वो नित्यं स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं धृति मति कीर्ति कांति बुद्धि लक्ष्मी इंद्रा, ओम रोहिणी प्रज्ञाति वज्रश्रद्धा वज्रा खुशी अप्रीति चंद्रा पुष्य दत्ता स्वाहा, ओम आचार्य निवासी साधु सावरी Yeah.